राजनीति की कभी तेज गाड़ी दौड़ नहीं सकती। ये नियम है, इस नियम को भी दलितों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और यह भी सच है कि राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन में बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन उन दोनों को कभी भी मिलाया नहीं जा सकता। और जिसने इनको मिलाने की कोशिश की या जो इसको मिलाने की कोशिश करेगा, इसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी लेयर हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में सीमाएं हैं और सामाजिक आंदोलन में कोई भी सीमाएं नहीं हो सकती। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जो ब्राह्मण रोज दलितों के सामाजिक आंदोलन में गाली खाता है, लेकिन वही ब्राह्मण दलितों के जो राजनीतिक आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं अपना स्थान पा जाता है। तो इस घालमेल को अलग करते हुए राजनीति एक सरासरी एक जीतने की लड़ाई है, वह मानक नहीं तय हो सकते। राजनीति में जो मानक ढूंढेगा वो कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि राजनीति तो सफलताओं का खेल है। अगर आप राजनीति में सफल हैं तो आप पूर्ण रूप से सफल हैं। वो छल कपट वो जो भी आपके रास्ते हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन में इन चीजों से कहीं ना कहीं दूरी बनती है। देखिए एक छोटी सी बात ही कहूंगा, बस ज्यादा नहीं, कि आज पूरी दुनिया की नजर है सर, हिंदुस्तान भारत नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस बात के ऊपर नजर है कि ये दलित जिनके पास ना रोटी है ना कपड़ा है ना मकान है, शक्ल तो आप बढ़िया होनी शुरू होगी, इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन इनके अंदर धमक बहुत है, इनके अंदर आग बहुत है। ये दलित आंदोलन में आप पलक कहां से नहीं, वो आपकी गाड़ियों से और आपके बड़े बड़े मकानों से और आपके कपड़ों से डरे हुए नहीं है, वो आपकी इस धमक से डरे हुए हैं, आपकी इस ताकत से डरे हुए हैं। और ये ताकत का कारण आप जानते हैं कि बाबा साहब का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो आपके पास शिक्षा है। क्योंकि अगर मैं डॉक्टर साहब भाई सीधा इतिहास है, अगर किसी और व्यक्ति से आप उसका इतिहास जाने तो पिछले 50 पीढ़ियों का वो इतिहास अपने जन्म कुंडली हमेशा साथ लेकर के घूमता है, लेकिन दलित समाज का आदमी से भी पूछता कि भाई तुम्हारे दादाजी क्या करते थे, आप दादाजी मजदूरी करते थे या कहीं किसी भट्टे में नौकरी करते थे। तो दलितों के ऐसे इतिहास के बाद ये व्यवस्था कैसे परिवर्तित हुई, इस पे लोगों को कहीं ना कहीं देखना है। एक बात बस कि दलितों की जो कल्चर है, दलितों की प्यास कुछ अलग है, दलितों की जो भूख है वो कुछ अलग है। अब दलित आइडेंटिटी की लड़ाई को नहीं चाहते। अगर दलित के बीच में से, अगर चमारों के बीच में से भी अगर लोग ग्रेट चमार की बात करते हैं तो लोग आइडेंटिटी की लड़ाई को खत्म कर देते हैं। अगर चमार ही ग्रेट हो गया तो फिर आइडेंटिटी की लड़ाई कहां होगी, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब तो भागीदारी की है, अब तो हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैं किताब पे डॉक्टर साहब काम कर रहा हूं पिछले 5 साल से, द कलर्स ऑफ दलित, वो भी पूरी नहीं हुई और उसको पूरी करना चाहता हूं और उसकी धार बड़ी मजबूत रखना चाहता हूं। कलर्स ऑफ दलित बेसिकली है क्या, उसका कंसेप्ट ये है कि पहले गांव में देहात में लोग चटकीले भड़कीले पीले हरे रंग देख करके लोग यही कहते थे कि क्या तूने चमारों जैसे रंग पहन रखे, लेकिन आज वही रंग वही दलितों के रंग अगर दुनिया की कोई भी महिला अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना चाहती है तो उनको उन्हीं दलितों के रंग धारण करने पड़ेंगे। ये दलित कल्चर, दलितों का खाना जो उनको मोटे अनाज चाहे मजबूरी में दिए गए हो, लेकिन आज
दुनिया में हर व्यक्ति या दुनिया की कोई भी संस्कृति वो जो संस्कृति है जो आपके हिस्से में जो मोटे अनाज आए चाहे वो मजबूरी में आए हो लेकिन आज दुनिया उन्हीं मोटे अनाज को खाना चाहती है। जिस तामसिक भोजन को लोगों ने धिक्कार दिया लहसुन प्याज आज वही तामसिक भोजन आप सारी दुनिया उन्हीं भोजन को करना चाहती है। मेरा कहना ये है साल में इतने जूते बजाऊंगा हराम जाने में जी। मेरा कहना ये है सर कि देखो रुपए भी देगा तब भी नहीं जाऊंगा। दोनों चीजों का अंतर ढूंढो। सुना के आया तो बहुत जबरदस्त मुंह पे मिर्च मसाले की सब्जी नहीं बनाई जा सकती। मिर्चों की कोई सब्जी नहीं खा सकता। मिर्चों की एक दो दिन कोई चटनी तो खा सकता है कि रोज ये 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का एक मंच सजा करके और 4 ब्राह्मणों को गाली दी और 3 ठाकरों को कोसा और 4 बनियों को लपेट दिया और आपकी बात हुई नहीं। अरे 2.5-3 लाख रुपए अगर खर्च करके अगर आप जो ब्राह्मण या बैठा ही नहीं जो बनिया या बैठा ही नहीं अगर उसको ललकार रहे हो तो पैसे का लॉस हो गया। ये तो पैसे का नुकसान है। ये मंच वे है कि जहाँ दलितों की समस्याओं को डिस्कस करना चाहिए था। तो मेरा कहना ये है कि चूंकि आप आगे बढ़ रहे हैं और एक बात और कि इसका भी एनालिसिस करो कि कुछ समस्याएं हमारे अंदर भी है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया का ओरिजिन भी पता होना चाहिए। अमेरिका में सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया है मैं सोशल मीडिया की बात इसलिए करना चाहता हूं कि आजकल हमारे यूथ और जो हमारे बच्चे जिनकी अभी पढ़ने की उम्र है जो 18 साल और 15 साल का यूथ है जिसको अभी पढ़ना चाहिए तारे 30 साल में भैया अपनी एजुकेशन पूरी करो और उसके बाद ये सोशल मीडिया और ये मिशन जो है मिशन की जानकारी में कोई दिक्कत नहीं है। मिशन की जानकारी आपको होनी चाहिए लेकिन जिस समय पे आपको पढ़ना चाहिए उस समय पे आपको पढ़ना ही चाहिए। समय निकलने के बाद कोई आपके आसपास नहीं आने वाला। 30 साल के बाद आदमी गुजर जाता है और कहीं ना कहीं मजदूरी की तरफ मुड़ जाता है। तो साथियों और एक बात और कि देखो कहां से सोचता है दलित अन्ना हजारे अगर दिल्ली में आर्थिक भ्रष्टाचार की बात लेकर के बैठता है तो दलित इस देश में बता क्या बात करता है। तीसरी आजादी की बात करता है सामाजिक आजादी की बात करता है और इस दुनिया को यह बताता है कि ए अन्ना हजारे अगर इस देश में आर्थिक भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है तो इस देश में सामाजिक भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होना चाहिए। उसने कहा कि अगर आर्थिक भ्रष्टाचार आदमी की जेब के ऊपर प्रहार करता है तो सामाजिक भ्रष्टाचार आदमी के मन पे प्रहार करता है और जेब पे किए गए प्रहार से ज्यादा खतरनाक आदमी के मन पे किया गया प्रहार है। ये दलित मूवमेंट है। 2 अप्रैल का मूवमेंट देखिए। अरे भाई 2 अप्रैल का मूवमेंट करने के बाद अगर दलित उत्साहित है पूरा दुनिया पूरा ब्राह्मण काप किया पूरा ठाकुर काप किया 3 बार भारत बंद करने की बात करता है नहीं कर पाएगा भारत बंद उसके नेचर में नहीं है। ये जो ताकत है ये जो सामाजिक आंदोलन की जो लड़ाई है ये सिर्फ दलितों के पास है और इसको संभाल के रखो और इसको मजबूती से पोस के रखो। और मैं तो सर यही कहना चाहता हूं देखो रास्ते बंद मत करो। अगर आप ये दावा करते हैं कि आप भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि बुद्ध यही तो कहते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। बुद्ध ने यह कहा कि जो आप उसको नापो आप उसकी वैज्ञानिक सोच के ऊपर नापो और जो लगता हो वही ठीक है। और शायद यही एक कारण है कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भगवान बुद्ध की तरफ चले जाते हैं और वो जब दलित मोहल्ले में और दलित लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि भगवान बुद्ध की तरफ जाओ जबरदस्ती की बात मत करो क्योंकि जब तुमको बुद्ध चाहिए तो तुम बुद्ध की बात करते हो और जब आपको बुद्ध नहीं चाहिए तब आप बुद्ध की बात नहीं करते हो।
अगर बेटी की शादी करने जाते हो तो भूत की बात करते हो, अगर बेटे की शादी करने जाते हो तो कहीं ना कहीं बैंड बाजे की बात करते हो, दहेज की बात करते हो। देखो ये कोसने वसने की बात नहीं है, ये सोल्यूशन आपके पास है। कोई परिवर्तन नहीं आ रहे वाले दलितों के जीवन में, दलितों को परिवर्तन खुद करना पड़ेगा। तीन जगह आदमी को धर्म की आवश्यकता होती है। जिस दिन वो पैदा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा होता हो, एक उसका छठी पूजन है, जो भी पूजन होता होगा, एक तो धर्म की जरूरत जब पड़ती है, और एक आदमी जिस दिन मरता है उस दिन उसको धर्म की जरूरत पड़ती है। और ये दोनों जो संस्कार है, ये दोनों संस्कार आदमी के सामने या आदमी के सामने कभी नहीं होते। एक धार्मिक संस्कार है जो आदमी के सामने होता है, वो मालूम है क्या है? आदमी की शादी। क्योंकि शादी भी आप जिस रीति से करोगे वो कहीं ना कहीं आपके सामने वाला एक धार्मिक संस्कार है। और भैया उसे तो ठीक कर लो। पत्नी भी चाहिए, पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, नौकरी वाली, और फिर आपको पैर दबाने वाली भी चाहिए। नौकरी भी करे, रोटी भी बनाए, मेरी बात समझ रहे हो ना? एक परिवर्तन करो, और ये अच्छा परिवर्तन है। और मैं फिर आऊंगा, आज मेरा गला पड़ गया। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।